लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर को एंड किया था। तो जैसे कि अब इसमें हमने प्लेयर की ड्रॉप स्टोरेज और पिकअप स्टोरेज को डिफाइन कर दिया, अब इसको टाइम है टेस्ट करने का। तो सबसे पहले यहाँ आएंगे और टाइप करेंगे स्टोरेज, जैसे कि ऊपर हमने प्लेयर को कॉल करने के लिए या पावर को कॉल करने के लिए नाम दिया था, और मैं अपनी पहली स्टोरेज को नाम दूंगा हल्क स्ट्रेंथ। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसको मैं इसलिए इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या नई नई तरह के नेम यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें कि कुछ भी वैल्यूज फिक्स नहीं है, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने गेम के हिसाब से। तो स्टोरेज के लिए कॉल करेंगे हल्क स्ट्रेंथ। सबसे पहले हमने क्या किया, स्ट्रेंथ को डिफाइन किया कि उसका नाम क्या होगा, फिर हमने बताना है कि किस टाइप की स्टोरेज में सेव होगी। तो ये सेव होगी स्ट्रेंथ में, और हल्क की स्ट्रेंथ हमने डिफाइन करनी है। सो मैं ऐसे 500 दे दूँगा इसको वैल्यू, आप कुछ भी दे सकते हैं इसको वैल्यू। और फिर ठीक है, हमने स्ट्रेंथ बता दी कौन सी है, लेकिन अब इसको इन्वेंट्री में, ऑलरेडी इन्वेंट्री में ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमने इसके लिए डिफाइन किया था, अगर रिकॉल करें तो साहिल डॉट पिकअप स्टोरेज। तो पिकअप स्टोरेज कौन सी करी, हल्क स्ट्रेंथ। तो हल्क स्ट्रेंथ ऐड हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको प्रिंट करना है। तो वो प्रोसेस होगा एरे लिस्ट, लेफ्ट एरो प्रोवाइड करेंगे तो राइट एरो ऐड हो जाएगी स्टोरेज, और इसको मैं नाम दूंगा ऑल आइटम्स। अब इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, साहिल डॉट गेट इन्वेंट्री एंड फोर स्टोरेज, स्टोरेज को अपना नाम देंगे आइटम्स, ऑल आइटम्स। क्या करें अब, ऑल आइटम्स के लिए कर्ली ब्रैकेट्स सिंपल प्रिंट कर दें आइटम्स डॉट गेट नेम। तो अब हमें इसको सिंपल रन करना है। तो इसने रन किया, लेकिन ये एरर शो कर रहा है। एरर क्यों शो कर रहा है, अगर आपको याद हो, अगर हम दोबारा प्लेयर डॉट जावा फाइल में ऊपर की तरफ आए, तो हमने डिफ़ॉल्ट पावर को हटा दिया था, साइलेंट कर दिया था। तो अगर मैं इसको दोबारा साइलेंट को हटा के, स्लैश को हटा के दोबारा इसको रन करूँगा अगर ऐप को, तो आप देख सकते हैं वैल्यू हल्क स्ट्रेंथ शो हो रही है। तो यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू को मैं हाइड कर दूंगा, क्योंकि अब हमें इसका कोई यूज़ नहीं है। सिस्टम डॉट इसका भी अगर हम हाइड कर दें, इसको दोबारा हल्क स्ट्रेंथ। लेकिन अगर हमें डिफरेंट वैल्यूज़ ऐड करनी हो, तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका भी है, या इसको कहें तो इसको यहाँ से मैं कट अगर करूँ और इसको मैं प्लेयर डॉट जावा फाइल में अगर जाके नीचे अगर यहाँ पे एक फंक्शन हम एक क्लास को डिफाइन करें पब्लिक वर्ड शो इन्वेंटरी, और इसके अंदर इस वैल्यू को कॉल करें, यहाँ पे ऑल आइटम्स की जगह हमें सिंपल इन्वेंटरी को ही कॉल करना है, तो इन्वेंटरी को फिल करेंगे दोबारा गेम फाइल में। तो अब हमें एरे लिस्ट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम इसको गेम प्लेयर डॉट जावा फाइल से कॉल कर रहे हैं। तो इसमें अब हमें दोबारा वैल्यू पिकअप स्टोरेज में और वैल्यू ऐड करनी हो, तो बिना नए वैल्यू को डिफाइन करें हम इसको डिफाइन कर सकते हैं साहिल डॉट पिकअप स्टोरेज न्यू स्टोरेज, और इसमें हम डिफाइन करें आयरन मैन यूज़ कर रहा हूँ मैं, आप इसमें कुछ भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेंथ। और टाइप बतानी बहुत ज़रूरी है, तो स्ट्रेंथ और इसकी वैल्यू अगर मैं डिफाइन करूँ स्ट्रेंथ की 400, और भी ऐड कर सकते हैं इसमें से साहिल पिकअप स्टोरेज। अब करते हैं इसमें स्पीड के लिए, तो स्पीड मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ से ऑप्शन फ्लैश स्पीड, स्पीड और सेकंड स्टोरेज टाइप
स्पीड एंड वैल्यू से 300। और क्या था, गार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं हम अपने इसमें रास्ते में, अगर हमने गार्ड को पिक किया किसी तरह के, तो स्टोरेज से इसकी वैल्यू ऑप्शन ऐसे दे सकते हैं से प्लस 10 चेस्ट स्ट्रेंथ या एंड चेस्ट गार्ड, और स्टोरेज टाइप गार्ड एंड इसकी वैल्यू से 100। तो हमें सिंपल टाइप करना है साहिल डॉट शो इन्वेंटरी, और इसको हम रन करते हैं तो आप वैल्यू देख सकते हैं। हल्क स्ट्रेंथ, आयरन मैन स्ट्रेंथ, फ्लैश स्पीड प्लस 10 चेस्ट गार्ड, तो इसने वैल्यू को प्रिंट कर दिया। एक और इसमें वैल्यू कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे दोबारा वापस आए प्ले डॉट जावा फाइल में, यहाँ पे इसके बाद हम स्पेस को क्रिएट करने के लिए बीच में वैल्यू स्टार पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ तो देखिए इसने कैसे बीच में लाइन को प्रोड्यूस कर दिया। तो अब ये हो गया, दोबारा से एक वैल्यू ऐड अगर हम करें स्टोरेज से सुपरमैन स्ट्रेंथ, सुपरमैन स्ट्रेंथ, और इसको मैं नाम दूँ न्यू स्टोरेज, कॉल करें इसको सुपरमैन और इसको भी स्टोरेज टाइप को डिफाइन करें स्ट्रेंथ। तो आप देख रहे हैं कैसे इंटेलिजेंस फटाफट हमें ऑप्शन दे रहा है इसकी 700। आप भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जरूर ट्राई करें। बुलियन, इस वैल्यू को हम डिलीट करते हैं, तो डिलीट इसको मैं नाम दूंगा बुलियन, डिलीट दिस साहिल डॉट ड्रॉप स्टोरेज सुपरमैन स्ट्रेंथ, और इसके बाद अगर हम इसको मैं प्रिंट आउट करूँ वैल्यू को, डिलीट दिस एंड साहिल डॉट शो इन्वेंट्री, और अगर अब हम इसको रन करें तो आप देख सकते हैं बुलियन वैल्यू शो कर रही है फॉल्स एंड हल्क स्ट्रेंथ आयरन मैन स्ट्रेंथ आगे सेम ऐसे शो हो रही है, क्योंकि अभी तक हमने इस वैल्यू को ऐड नहीं किया है अपनी इन्वेंटरी में, तो इसलिए इसको ये डिलीट नहीं कर सकता। अगर मैं इसको यहाँ पे साइलेंट कर दूँ इस लाइन को, और यहाँ पे स्ट्रेंथ की जगह अगर हल्क स्ट्रेंथ को प्रिंट करूँ और रन करूँ तो देख सकते हैं बुलियन वैल्यू ट्रू, और अब यहाँ पे जो हमें हल्क स्ट्रेंथ पीछे लास्ट रन में जो शो हो रही थी अब वो यहाँ नहीं शो हो रही है हल्क स्ट्रेंथ, तो इसने इसको ड्रॉप कर दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। देखिए सिर्फ लेक्चर वीडियोस को देखें नहीं, इसको फॉलो करें, खुद टाइप करें, जितना आप खुद टाइप करेंगे आपको कुछ ना कुछ एरर मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आपको इसको टेस्ट करते हुए या प्रैक्टिस करते हुए सिर्फ एरर ही शो होगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। दोबारा क्लोज करें, दोबारा से स्टार्ट करें, जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। अदरवाइज़ आप ये सोचेंगे कि एक साथ 10 वीडियो लेक्चर हो जाएं तो उसके बाद हमें इसको फॉलो करना शुरू करें तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्रेन को रिटेंशन करना भी प्रॉब्लम होगी। अगर आप रेगुलरली हाफ आवर दें इसको और कुछ प्रीवियस वीडियोज लेक्चर को रिपीट करें या इस वीडियो लेक्चर को भी आप 3 से 4 बार फॉलो करें तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि हाँ ये सच में बहुत इजी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे इनहेरिटेंस के बारे में, सो देखते रहिए और बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।